नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पढ़ते हैं कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता जो बीत गई सो बात गई। बीती बातें मनुष्य को अक्सर याद आया करती हैं। इन बातों से मनुष्य को कभी कभी शोक, ग्लानी, पछतावा आदि मानसिक क्लेश भी होता है। प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि ने मनुष्य को यह संदेश दिया है कि जो बीत गया उसके बारे में सोचना और शोक करना व्यर्थ है। प्रस्तुत कविता संत रंगिणी नामक कविता संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने जो बीत गया उसके पीछे व्यर्थ में शोक न करने की बात को महत्व दिया है। तो आइए पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन की कविता जो बीत गई सो बात गई। कवि परिचय। हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इलाहाबाद में ही वे अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। तब उनकी ख्याति भारत भर में फैल चुकी थी। उन्होंने आकाशवाणी में हिंदी प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के विशेषाधिकारी पद को भी उन्होंने शोभान्वित किया। बच्चन जी ने अभ्युदय पत्रिका के संपादन के रूप में भी कार्य किया। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तन का श्रेय बच्चन जी को जाता है। हरिवंश राय जीवन की राग विरागी, मस्ती और विषाद के कवि हैं। उन्होंने विश्व साहित्य के कुछ अमर ग्रंथों के प्रामाणिक अनुवाद का कार्य भी किया है। उनके प्रमुख काव्य संग्रहों में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी और संत रंगिणी प्रमुख हैं। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। जो तुम पर बीती है वह आई गई बात हो गई है, वह बात हमेशा के लिए समाप्त हो गई है, ऐसा मानकर उसे भूल जाना ही अच्छा है। माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तारे की भांति चमक रहा था और तुम भी उसे बहुत चाहते थे। तारे की तरह चमकता हुआ वह व्यक्ति तारे की तरह ही डूब गया, यानी गुजर गया। तो डूब जाने दो, जो दुनिया से चला गया उस पर शोक मत करो। अब मर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। आनंद का अर्थ है मूक। यहाँ पर कवि कह रहे हैं अंबर के आनंद को देखो, जरा आकाश के चेहरे को तो देखो, अब तक उसके जाने कितने प्रिय तारे टूट चुके हैं। जो तारे टूट गए वे फिर आकाश से कभी नहीं मिल पाए, परंतु क्या आकाश कभी अपने उन टूटे हुए तारों पर शोक मनाता है? जिस तरह आकाश अपने उन बिछड़े हुए तारों को भूल जाता है, उसी तरह तुम भी अपने प्रिय व्यक्ति के बिछों को भूल जाओ, क्योंकि जो बात गई वह हमेशा के लिए समाप्त हो गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तुम्हें फूल की तरह प्रिय लगता था और तुम उस पर हमेशा न्योछावर होते थे। तुम उसकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानते थे। तुम्हारे जीवन का वह प्रिय फूल सूख गया तो सूख जाने दो। आगे कवि कह रहे हैं मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाए कितनी वल्लरियां, जो मुरझाए फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो
बात गई। कवि कह रहे हैं जरा मधुवन, मधुवन यानी बगीचे, बगीचे के मजबूत सीने को तो देखो। अब तक मधुवन की जाने कितनी कलियां सूख चुकी हैं और जाने कितनी लताएं मुरझा चुकी हैं। न ये सूखी कलियां फिर खिल सकी और न वे मुरझाई लताएं फिर हरी हो सकी। पर क्या मधुवन अपने सूखे फूलों के लिए कभी विलाप करता है? जो बात गई वह बीत गई, उसे याद करके दुखी होने से कोई लाभ नहीं। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। कवि कह रहे हैं माना तुम्हारे जीवन में मदिरा का एक ऐसा प्याला था जिस पर तुमने अपना तन मन न्योछावर कर दिया था, अर्थात वह तुम्हारे जीवन का एक अंग बन गया था। तुम्हारा वह मनपसंद प्याला टूट गया तो टूट जाने दो। यहाँ पर कवि मधु घट का उदाहरण दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि मधु घट मिट्टी का बना होता है, वह बहुत नाजुक होता है, इसे अक्सर फूट जाता है। मनुष्य का शरीर भी मिट्टी से निर्मित घट के समान है, यह भी मधु घट के समान क्षण भंगुर है, यह कब फूट जाए कहाँ नहीं जा सकता। फूटे हुए मधुघट की तरह मृत व्यक्ति फिर से जीवित नहीं हो सकता। इस प्रकार मधुघट और मनुष्य जीवन में गहरी समानता है। आगे कवि कह रहे हैं मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। कवि कह रहे हैं जरा मदिरालय यानी शराब खाने का प्रांगण तो देखो, वहां जाने कितने प्याले हिल जाते हैं और गिरकर टूटकर नष्ट हो जाते हैं। जो प्याले गिरकर टूट जाते हैं क्या वे फिर उठकर वापस आते हैं? पर क्या मदिरालय को उन टूटे प्यालों के लिए कभी पश्चाताप होता है? जो बात बीत गई वह बीत गई, उसे याद करके दुखी होने से कोई लाभ नहीं। मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधुकट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के गठे मधु प्याले हैं। कवि कह रहे हैं मदिरा रखने के घड़े मिट्टी के बने होते हैं, इसलिए ये बहुत नाजुक होते हैं और अक्सर फूट जाया करते हैं। यही हाल मधु यानी प्यालों का भी है, इनका भी जीवन बहुत छोटा होता है, ये भी अक्सर टूट जाया करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मदिरा इन घड़ों में ही रखी जाती है और लोगों को मदिरा प्यालों में ही दी जाती है। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लुटा ही करते हैं, वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। जो लोग नशे के अभ्यस्त हैं वे मदिरा का सेवन करते ही रहते हैं। जो व्यक्ति मदिरा के घड़ों और प्यालों के टूटने के बारे में सोचता है और उनसे उसका लगाव होता है, वह कच्चा पियक्कड़ है जो सच्चे अर्थों में मदिरा का सेवन करने वाला होता है। वह मदिरा के घड़ों और प्यालों के टूटने पर रोता चिल्लाता नहीं। जो बात बीत गई वह बीत गई, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गई। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जो बीत गई सो बात गई कविता के द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि आकाश कभी अपने टूटे हुए तारों पर शोक नहीं मनाता, मधुवन अपने सूखे हुए फूलों और मुरझाई लता पर दुख नहीं होता, मधु घटों के टूट जाने पर मदिरालय शोकग्रस्त नहीं होता। उसी तरह मनुष्य को भी यह समझ लेना चाहिए कि जिसका साथ छूट गया उसे भूल जाने में ही भलाई है। जो बीत गई सो बात गई,
बीते हुए को भूलकर आगे की बात सोचनी चाहिए। यहाँ पर यह काव्य पूर्ण होता है। आभार।